माइनक्राफ्ट के इफेक्ट क्या आपको पता है? नंबर वन, आप सबको तो पता ही है कि जो वाइंस की लेंथ होती है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, लेकिन उसका एक इलाज है, आपको शेयर्स लेना है, उसके बाद आपको उसको ऊपर से टिप से काट देना है, उसके बाद वो उसका बढ़ने का नो चांस। नंबर टू, आप सबके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि अगर आप विलेजर को ट्रांसपोर्ट करने वाले होते हो, क्रीपर पीछे से आके दपक कर देता है कुछ ऐसे। इससे बचने का मेरे पास तरीका तो नहीं है, बट मैं आपको बता सकता हूँ आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको जो विलेजर का ये पाथ होता है उसके ऊपर लेकर नहीं जाना है बोट को, क्योंकि जो इन्होंने ये पाथ बनाया होता है उसके ऊपर वाली जो ग्रास होती है वो एक पिक्सल बड़ी होती है इस ब्लॉक से, इसके कारण आपकी बोट अटक जाएगी, आपको तोड़नी ही पड़ेगी अंत में। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे को किसी ज़ॉम्बी को रिस्पॉन होने से बचाना है तो मैं क्या करूं, आप सब कहेंगे कि नेम टैग लगा दे, इतना भी नहीं आता। लेकिन नेम टैग इतनी आसानी से भी नहीं मिलता मेरे भाई को, उसका एक आसान सा तरीका है, आपको क्या करना है बोट लेकर उसके आगे रख देनी है, अगर वो बोर्ड में बैठ गया समझो वो सेफ ही है। अब ऐसे मोर फैक्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।